नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हमारे ऑनलाइन शिविर का पहला दिन आरंभ हो रहा है। आओ जाने कि ये साधना क्या है। आपको, आप सबको यहां देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस शिविर में आपको बड़ा मजा आएगा। मैं चाहता हूं कि हर समय हर पल आप मुस्कुराते रहे। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, बाथरूम जा रहे हो या टॉयलेट जा रहे हो या शॉवर ले रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप मुस्कुराते रहे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं सचमुच में नहीं बताता कि आपको मैं हमेशा मुस्कुराने के लिए क्यों कहता हूं। मैं आपको मुस्कुराने के लिए कहता हूं, उसके कई कारण हैं। जितना जितना अधिक आप मुस्कुराओगे, उतनी ही आपकी स्मृति यानी होश बढ़ेगा, समझे? भगवान बुद्ध की शिक्षा में कुल मिलाकर हमेशा मन को प्रसन्न रखने की बात कही गई है। भगवान को वस्तुतः इसी बात में रुचि थी कि आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे। जितना आप ज्यादा मुस्कुराओगे और आनंद लोगे और हंसोगे, इस बात पर हंसना है कि हम कई चीजों के प्रति क्यों बेवजह गंभीर हो जाते हैं। और इस तरह का दृष्टिकोण रखने से आप ध्यान में जो अड़चनें आएंगी उससे बहुत देर तक दूर रह पाओगे। अड़चनें क्या होती है? पांच अड़चनें होती हैं, जिसको एक को पाली में कहते हैं कामच्छंद, यानी कि लोभी मन। मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है। दूसरी अड़चन है व्यापाद, यानी कि द्वेष करने वाला मन। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तीसरी अड़चन है नींद आना, ऊंघई आना। मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। चौथी अड़चन है बेचैनी और चिंता।
इसे पाली में कहते हैं उद्धच्च कुक्कुच्च, और नींद और आलस को पाली में कहते हैं थीनमित। उद्धच्च कुक्कुच्च मतलब ओ मन सब कुछ करना चाहता है लेकिन बैठकर साधना नहीं करना चाहता, बस उठ जाना चाहता है। पांचवी अड़चन है विचिकित्सा, यानी कि संशय, पता नहीं ये सही है या गलत। जब मैं इन अड़चनों के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको सहसा ये नहीं बताता हूं कि मैं किस अड़चन के बारे में बात करता हूं। मैं बस कहूंगा कि एक अड़चन है जो भी आपके मन को आपके ध्यान के आलंबन से दूर भटकाता है, उसे ही अड़चन कहा जाता है। पाली में इसे निवरण कहते हैं, और उसके लिए आपको 6 पायदानों का सम्यक व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। कौन सी 6 पायदाने? पहली पायदान है रिकग्नाइज, यानी कि जानो कि मन भटक गया है। दूसरी पायदान है रिलीज, जिन ख्यालों में, जिन विचारों में मन भटक गया था, उन ख्यालों को और उन विचारों को वहीं छोड़ दो। उन ख्यालों पर और उन विचारों पर अपने मन को मत रखो। तीसरी पायदान है रिलैक्स, अपने मन में और अपने सर में देखो कि कहीं तनाव खिंचाव तो नहीं पैदा हुआ है। अगर तनाव खिंचाव पैदा हुआ है तो उसे ढीला कर दो। चौथी पायदान है रीस्माइल, अब जब मन भटक जाता है तो होठों की मुस्कुराहट खो जाती है, उसे फिर से होठों पर ले आओ। पांचवी पायदान है रिटर्न, अपने ध्यान के आलंबन के प्रति वापस आ जाओ। छठी पायदान है रिपीट, अपने आलंबन के ऊपर ध्यान करना आरंभ कर दो। और फिर मन भटक जाता है तो फिर से ये 6 पायदानें पूरी करो। कितनी सीधी सी बातें नहीं, पर हर सीधी सी बात हमेशा आसान नहीं होती, है कि नहीं? सामान्यतः मैं अपने साधकों को ध्यान के लिए मंगल मैत्री का आलंबन देता हूँ, आनापानसती का नहीं, क्योंकि लगभग हर साधक आनापानसती कर चुका होता है और उसमें उसने कुछ गलत आदतें डाली हुई होती है, और उन गलत आदतों को छोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इन गलत आदतों को बदलने के लिए, ध्यान के आलंबन को बदलना ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि तब आप फिर से निचली मंजिल से चालू करते हो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हो। यह जो लेकिन यह शमत विपश्यना का ध्यान केवल मंगल मैत्री तक सीमित नहीं है, ये आगे बढ़ेगा और सारे ब्रह्म विहारों से गुजरेगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, एक एक करके सारे ब्रह्म विहार प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम आरंभ करेंगे मंगल मैत्री से। हर साधना सत्र के दौरान पहले 10 मिनट आप अपने आप को मंगल मैत्री देंगे। जिस प्रकार की मंगल मैत्री का अभ्यास आपने शायद पहले किया होगा, उससे थोड़ी सी अलग होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप के लिए एक मंगल भावना चाहें और उस मंगल भावना को महसूस करें, उस इच्छा को महसूस करें, अनुभव करें।
अपने आप को सुखी और आनंदी रहने की कामना करो। जब हम सुखी और आनंदी होते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है, किस तरह का अनुभव होता है, आप जानते हैं ना। अपने आप को शांत और स्थिर होने की कामना करो। अपना मन स्वच्छ और पूरी तरह होश में होने की कामना करो। जो भी मंगल कामना करना चाहते हो करो, वो पवित्र होनी चाहिए और उसका अनुभव तुम्हें अपने अंदर हृदय में मन में होना चाहिए। उस भाव को लो और अपने हृदय में स्थापित करो और उस मंगल भाव को अपने शरीर के इर्द गिर्द फैलने दो, शरीर को उस मंगल भाव से घिर जाने दो। पहले पहले मन को भटकाने वाले बहुत सारे विचार आएंगे, मन जल्दी से स्थिर नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ परंपराएं ऐसी भी है, वो कहती है कि मन को बस निर्विचार कर दो, और ऐसी परंपराओं में कुछ लोग दो दो साल तक अभ्यास कर चुके हैं और उनके मन में अब कोई विचार नहीं आते हैं। लेकिन विचार कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं, विचार तो विचार है, विचारों का आना ठीक है, पर उन विचारों को पहचानो कि मन विचार में गया है, उन विचारों को जाने दो, उनके ऊपर ध्यान मत दो, अपने सिर के तान तनाव को ढीला करो, होठों पर मुस्कुराहट वापिस लाओ और फिर से मंगल मैत्री की ओर मन को वापिस लाओ और उस मंगल मैत्री को आलंबन बनाकर ध्यान करते रहो जब तक आप कर सकते हो। आधे घंटे के ध्यान सत्र के दौरान 30 बार हो या 50 बार हो आपका मन भटक जाए और हर बार आप पहचानो कि मन भटक गया है और उन विचारों को आप छोड़ दो और फिर तान तनाव को ढीला करो और फिर मुस्कुराओ और फिर मंगल मैत्री की तरफ वापस आओ। अगर हर बार आप ऐसा करते हैं तो इस साधना सत्र को एक अच्छा साधना सत्र माना जाएगा। पूरा साधना सत्र कौन सा होगा कि आपके मन में विचार तो आया, आपने पहचान भी लिया कि मन में विचार आया है, लेकिन उस विचार को छोड़ने के बजाय उस विचार को महत्व देकर आप उस विचारों के साथ बहने लगो, फिर से उसी विचार को बार बार करने लगो, तो फिर आप ध्यान नहीं कर रहे हो। और हां, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, सहजता से आसानी से करना है, मन को ज्यादा ढकेलना नहीं। हाँ मन भटक गया था, ठीक है, बस जानो कि मन भटक गया था, उस विचार पर से ध्यान हटा दो, तान तनाव को ढीला करो, मुस्कुराओ, वापिस आओ, बस इतना ही। हर समय जब ऐसा करोगे तो आपका होश है, यानी कि स्मृति, पाली में जिसे सती कहते हैं, वो थोड़ा सा और मजबूत होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मिनी बैंक में सिक्के डालता है और कुछ दिनों के बाद वो मिनी बैंक भरने लगता है, किसी विचार के साथ, किसी संवेदना के साथ झगड़ा मत करो, किसी विचार को और संवेदना को विरोध करने की कोशिश मत करो, विचारों को और संवेदना को जहां है वहां रहने दो। अगर कुछ उत्पन्न होता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, पीठ दर्द हो, या कोई बार बार आने वाला विचार हो, उनको अपनी अपनी जगह पे रहने दो। सच्चाई ये है कि जब कुछ उत्पन्न होता है
तो होता है। यही इस क्षण की सच्चाई है, यही इस क्षण का धर्म है। और जो इस क्षण का धर्म है वो ठीक ही है कि वो वहां है। आप उसे अपनी अपनी जगह रहने दो और फिर उसके कारण सिर में और मन में जो तान तनाव पैदा हुआ है उसे ढीला करो, मुस्कुराओ और फिर से मंगल मैत्री की तरफ वापस आओ। हर साधना सत्र में पहले 10 मिनट अपने आप को मंगल मैत्री भेजनी है। मंगल मैत्री की कामनाएं, मंगल मैत्री का भाव, उसको महसूस करना है, अनुभव करना है, उसके आनंद को अनुभव करो, उसकी स्पष्टता को अनुभव करो, उसकी शांति को, उसकी स्थिरता को अनुभव करो। जो भी मंगल कामना अपने लिए करते हो उस कामना को अंदर से अनुभव करो, महसूस करो, उस मंगल भाव को अपने हृदय में रखो और फिर उस मंगल भाव को अपने शरीर में और मन में पूरी तरह फैलने दो और अपने आप को उस मंगल भाव से घिर जाने दो। 10 मिनट के बाद ऐसे ही मंगल भाव को आध्यात्मिक साथी को भेजना शुरू कर दो। जब आप बैठते हो तो पीठ को सीधा रखें, ज्यादा तानने की जरूरत नहीं है और उसको ज्यादा ढीला भी न छोड़े, लेकिन सीधा रखे। इतना सीधा रखे कि पीठ में दर्द न हो और वो बहुत ढीली भी न हो और बिल्कुल हिलना नहीं है। पैरों की उंगलियां मत हिलाओ, हाथों की उंगलियां भी मत हिलाओ, हाथों से कहीं खुजलाओ मत, कहीं कुछ घिसो मत, अपना आसन मत बदलो और शरीर को आगे पीछे मत हिलाओ, एकदम स्थिर बैठो। और जब वैसे बैठे हुए हो सकता है कहीं खुजली हो या खांसने की इच्छा हो या छींकने की इच्छा हो और बस विचार ही विचार आते हो, ठीक है, कभी कभी दर्द उठेगा, फिर भी मत हिलो, स्थिर बैठे रहो। यह जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो जितनी हिलती है ना उतना ही तुम हिल सकते हो, ठीक है। और हम सबको इस स्थिरता के बारे में याद दिलाने के लिए ही इस भगवान बुद्ध की मूर्ति को यहां रखा गया है। और जब कोई शरीर में संवेदना हो, जैसे कि आप खांसना चाहते हो और पहली बात यह होगी कि आपके मन में आएगा, ओहो अभी इस खांसी को भी अभी आना था, ये खांसी बंद बंद क्यों नहीं होती, मैं चाहता हूं कि ये खांसने की इच्छा या खांसने की संवेदना बंद हो जाए, चली जाए, अभी क्यों आ गई है। अब पहली बात ये करनी है कि उस विचार को जो आपको मंगल मैत्री से भटका रहा है उसे पहचानना है और अपने मन का ध्यान उस विचार से हटाना है और तान तनाव को ढीला करना है। अब हमें पता चलेगा कि जो खांसने की संवेदना है उसके इर्द गिर्द हमारे मन की कुछ जकड़न है, पकड़न है, मैं खांसना नहीं चाहता, मैं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अपने गले में जो मांसपेशियां जकड़ गई है उनको जानो और उनको ढीला करो। फिर अपने सिर में जो तान तनाव खिंचाव पैदा हो गया है उसे पहचानो। हमारे दिमाग के इर्द गिर्द
मेनिंजेस नाम का एक पर्दा होता है, और जब भी हमारा मन भटक जाता है वो पर्दा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और उससे तनाव और खिंचाव सिर में पैदा होता है। जब हम उन मांसपेशियों के तनाव और खिंचाव को ढीला करते हैं तो उससे सिर का तनाव और खिंचाव ढीला हो जाता है। पहले पहले उसे पहचानना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप मुस्कुराना बढ़ाते जाओगे और ध्यान में थोड़ी गहराई प्राप्त होगी तो बहुत अच्छी तरह से आप आसानी से उस तान तनाव को पहचाना सीख जाओगे। जब आप तान तनाव को ढीला करते हो तो दिमाग में थोड़ा सा फैलाव सा महसूस होगा, जैसे कोई तान तनाव चला गया और वो जगह खुली हो गई, और उसके तुरंत बाद आप महसूस करोगे कि मन एकदम निर्विचार हो गया है, अब कोई भटकाव नहीं है, मन स्वच्छ हो गया है, पूरी तरह होश में है और शुद्ध हो गया है। इसके बाद मन को मंगल मैत्री की तरफ वापस लाओ और कुछ देर के बाद फिर से खांसने की इच्छा आ जाएगी तो फिर से वही बात करो, छह पैदानों को व्यायाम। अगर अपने आप खांसी आती है तो उससे लड़ाई भी मत करो, शरीर को निसर्ग के अनुरूप चलने दो, कोई बात नहीं, आवाज तो एक आवाज है, किसी आवाज से आपका मन भटक जाता है तो फिर से छह पैदानों का व्यायाम करो, उस आवाज को वहीं रहने दो, मन को आवाज से निकालो और तान तनाव को ढीला करो, मुस्कुराओ और फिर से मंगल मैत्री की तरफ वापिस आओ। चाहे जितनी बार मन भटक जाए उतनी बार छह पैदानों का व्यायाम करते रहो। हर बार मन भटकता है, हर बार छह पैदानों का व्यायाम करना है। पहले पहले आपको लगेगा कि इन छह पैदानों को मन ही मन में या दिमाग में दोहराना है, किंतु ऐसा मत करो। इन छह पैदानों को मन में दोहराने के बजाय उनको करते रहो। मन के भटकाव को पहचानो, जिन ख्यालों में मन भटक गया था उन ख्यालों को छोड़ दो, सिर में आए हुए तान तनाव को ढीला करो, होठों से मुस्कुराओ और मंगल मैत्री की तरफ वापस आ करते रहो। जैसे नदी का कोई प्रवाह अपने आप चल रहा है वैसे ही इन छह पैदानों को बहने दो, एक के पीछे एक, और किसी भी पैदान के बाद रुकने की जरूरत नहीं है। एक पैदान के दूसरा बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, अपने आप उन्हें हो जाने दो। मन के भटकाव को पहचानो, जिन भटकाव में मन भटक गया था, जिन विचारों में, उन विचारों से ध्यान हटाओ, सिर से तान तनाव ढीला करो, होठों पे मुस्कुराहट वापस लाओ, फिर से मंगल मैत्री की तरफ वापस आओ और मंगल मैत्री के ऊपर जितनी देर हो सकता है उतनी देर ध्यान करना चालू रखो। फिर मन भटक जाए तो फिर से ये छह पैदानों को होने दो। जितना जितना आप मुस्कुराओगे उतना उतना आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इस शिविर में मज़ा करें। क्यों? जब आप मज़ा करते हो तो आप जल्दी जल्दी सीख जाते हो। याद करो, आपने पाठशाला में जो विषय आपको सबसे अच्छा लगता था वो आप कितनी जल्दी सीख जाते थे,
और उस विषय को सीखने में आपको मजा भी आ जाता था। उसी तरह का मजा इस ध्यान को सीखने में आने दो। ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। हर चीज में मुस्कुराओ। जब तुम्हारा मन भारी होने लगता है और कहता है कि इस चीज के बारे में हमें गंभीर होना चाहिए, तो अपने आप के ऊपर हंसो। बस खिलखिलाओ और कहो, ये देखो मन तो पागल होने लग गया। और जानते हो, पागल होना ठीक है, हम सब पागल हैं और वो ठीक ही है। मजा करो, मन के पागलपन के ऊपर हंसो और उसका मजा लो। हाँ, फिर आपको कैसे लगेगा देखो, हल्का सा लगेगा ना। जब भी हमारे मन में एक ही प्रकार के विचार बार बार आने लगते हैं, उसका मतलब है कि हमारा मन किसी बात के प्रति चिपक गया है, उसमें चिपकाव है, जिसे आसक्ति कहते हैं संस्कृत। और आसक्ति न अच्छी होती है, न बुरी होती है, न न्यूट्रल होती है, वो आसक्ति है। उस आसक्ति को कैसे जाने दें? पहचानो कि आसक्ति है, उस आसक्ति के ऊपर से मन को हटाओ, सिर के तान तनाव को ढीला करो, मुस्कुराओ, मंगल मैत्री की तरफ वापिस आओ और उसके साथ जब तक रह सकते हैं रहो। होश का, स्मृति का या सती का कहे, कार्य क्या है? याद रखना, यही होश का कार्य है। और क्या याद रखना है? मुस्कुराना याद रखना है और हर चीज का मजा लेना याद रखना है। जब भी आप देखोगे कि मन किसी चीज के प्रति गंभीर हो गया है, तो आप क्या करोगे? ये जो सिर के तान तनाव को ढीला करने की और मन के तान तनाव ढीला करने की पायदान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो है वो आपकी तृष्णा को जाने देगी। तृष्णा यानी कि प्यास किसी भी चीज की, किसी चीज को चाहने की या किसी चीज को न चाहने की प्यास, ये हमेशा मन में और शरीर में तनाव और खिंचाव पैदा करते हैं और इसी तरह हम उसे पहचानते हैं। जब हम सिर के तान तनाव को ढीला करते हैं तो मन बहुत शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिन विचारों में मन भटकता है, उस विचारों के साथ हम अपना चिपकाव उस भाव के साथ भी दूर करते हैं और अब हम उस चिपकाव को जैसा है वैसा देख रहे हैं, उन विचारों को, उन संवेदनाओं को जैसा है वैसा देख रहे हैं। वो तो बस विचार हैं और संवेदना हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप इस तान तनाव को ढीला करने के पायदान को प्रयोग में लाएं। लेकिन कभी कभी साधक बहुत उत्साही हो जाता है और सिर्फ ऐसे करता है, विचारों से मन हटाओ, तान तनाव को ढीला करो, विचारों से मन हटाओ, तान तनाव को ढीला करो, विचारों से मन हटाओ, तान तनाव को ढीला करो। क्योंकि जब हम तान तनाव को ढीला करते हैं पहली बार, तो पूरी तरह तान तनाव ढीला नहीं हो जाता। लेकिन ऐसे नहीं करना, बस एक ही बार विचारों को छोड़ दो और तान तनाव को ढीला करो। पूरे के पूरे छह पायदाने हर चक्र में पूरी करनी है जब भी आपका मन भटकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तनाव सर में शेष रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके कारण मन फिर भटक जाएगा। तो फिर जब छह पायदानों का अभ्यास करोगे तो उसमें फिर तान तनाव को ढीला करोगे, फिर मन भटक जाएगा, फिर
फिर छह पैदानों का अभ्यास। जब तक वो तान तनाव पूरा ढीला नहीं होता, मन भटकता जाएगा और आप छह पैदानों का अभ्यास करते रहोगे और इस तरह से मन शुद्ध हो जाएगा और तृष्णा को दूर करेगा। बुद्ध के अनुयायी जग में ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है कि तृष्णा को हम इस तरह पहचानते हैं और तृष्णा ये है। हमें तृष्णा से युद्ध नहीं करना है, उसे नियंत्रित नहीं करना है, वो जहाँ है उसे बस वहाँ रहने देना है और सिर के तनाव और खिंचाव को ढीला करना है, मन के तनाव और खिंचाव को ढीला करना है। तृष्णा अपने आप धूमिल होकर चली जाएगी और जब तृष्णा जाएगी तो आपका ध्यान गहराई में उतर जाएगा और मन जो है वो ध्यान के आलंबन के साथ लंबे समय तक रहेगा, जिसे होश कहते हैं, स्मृति कहते हैं या सती कहते हैं। वो तुम्हारे निरीक्षण की शक्ति है, वो नियंत्रण की शक्ति नहीं, केवल निरीक्षण है कि मन कैसे भटकता है। जैसे जैसे मंगल मैत्री के साथ या किसी भी आलंबन के साथ ज्यादा देर रहने लगोगे तो ये मन कैसे भटकता है इसे आप जल्दी जल्दी पहचानने लगोगे और आसानी से उसे जाने भी देने लगोगे। यह एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है मन के खुलने की और आप सभी लोग आपके खुद के गुरु हैं। मैं आपका गुरु नहीं, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको मार्ग पर रखूँगा पर आप अपने आप को पढ़ा रहे हो, अपने आप को सिखा रहे हो। यह भी एक असामान्य बात है कि जब हम शिविर में आते हैं तो साधक चाहते हैं कि गुरु हमें कुछ बता दे कि हम क्या करें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, बस छह पैदानों का अभ्यास करना है और उसके साथ रहना है। अब हम आध्यात्मिक साथी के बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिक साथी क्या है? आध्यात्मिक साथी वो है, अगर हम पुरुष हैं तो वो भी पुरुष होगा और अगर हम महिला हैं तो आध्यात्मिक साथी भी महिला होगी। वो जीवित होना चाहिए और आरंभ करने के लिए अपने घर के, अपने परिवार के सदस्य को मत चुनो। एक आध्यात्मिक साथी वो है जब हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके सद्गुणों को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें उसके प्रति बहुत आदर है और हम चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि उसका भला हो। अब ऐसे किसी आध्यात्मिक साथी को चुनो और जब तक हम बताएंगे नहीं उस आध्यात्मिक साथी को बदलना नहीं है, बहुत लंबे दर तक आपको उसके साथ रहना है। तो ऐसा आध्यात्मिक साथी चुनो जिसका तहे दिल से भला चाहते हो। और जब भी अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री भेज रहे हो सकता है कि मन की आँख में उसका चित्र ले आओ। कुछ लोग अच्छी तरह से
उस व्यक्ति की, उस आध्यात्मिक साथी की चित्र को अपने मन में देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ठीक से देख नहीं पाते, पर आप महसूस करो, अनुभव करो कि वो मुस्कुरा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो भी मुस्कुराए और सुखी रहे। कभी कभी उसका चित्र मन की आंख में स्पष्ट दिखेगा, कभी कभी धूमिल सा होगा, कभी कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे ध्यान में ये है कि हम उसकी तरफ मंगल मैत्री भेज रहे हैं। अपने ध्यान का 3/4 भाग उसको मंगल मैत्री भेजने में प्रयोग करो। उसके बाद मंगल कामना करना और उस मंगल कामना को अनुभव करना उस आध्यात्मिक साथी के लिए, और फिर उस आध्यात्मिक साथी को अपने हृदय में रहना, हृदय में रखना, और उस साथी को उस मंगल भाव से घेरना, यह अगला महत्वपूर्ण अंग है हमारी साधना का। तो जो 1/4 भाग हमारे ध्यान का बचा है, उस भाग को, उस मंगल भाव को महसूस करने में प्रयोग करो। जब मन की आंख में अपने आध्यात्मिक साथी को देखते हो तो उसे मुस्कुराता हुआ और आनंदी सुखी देखो। और वैसा देखने से आपको भी याद आएगा कि आपको भी मुस्कुराना है और आपको भी खुश रहना है। पर उसकी तस्वीर पर बहुत थोड़ा सा ध्यान दो। 3/4 ध्यान मंगल मैत्री भेजने पर रखना है और बाकी का 1/4 उस मंगल मैत्री के भाव को महसूस करने में। यह एक मुस्कुराने का ध्यान है। आपने मुझे हमेशा यह कहते हुए सुना है, माता जी कहती है कि मैं 3 चीजें रिपीट करता हूँ। ये सच नहीं है, मैं तो चीज़ें 100-100 रिपीट करता हूँ और एक ही प्रवचन में। जब आप हंसते हैं तो आप मन से हंसो, आँखों से हंसो। आँखें बंद किया है तो क्या हुआ, थोड़ा सा आँखों से हंसो, आपको पता चलेगा कि आंखों में भी से थोड़ा सा तनाव और खिंचाव था, और जब हम आंखों से हंसने लगे तो तनाव खिंचाव चला गया। भगवान बुद्ध की मूर्ति पर जो स्मित हास्य है, जो मुस्कुराहट है, उसे अपने होठों पर ले आओ और थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने हृदय में भी रखो। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे आध्यात्मिक साथी के साथ रह रहे हैं, आज पहला दिन, और आपको लगेगा कि थोड़ा सा मन भटक रहा है और इधर उधर सोच रहा है, और कभी कभी मन में सपने आएंगे थोड़े से और फिर ज़्यादा आने लगेंगे, और फिर तुम्हारा जो आसन है बैठने का, जो आसन स्थिति है, वो थोड़ी सी बदलने लगेगी, फिर हो सकता है थोड़ी सी नींद आने लगेगी। ये सब क्यों होता है? ये जो थिन मिद्ध है, जो नींद और आलस है, उसके बारे में आपको आश्चर्य लगेगा। वो इसलिए होता है कि आप निष्ठापूर्वक काम नहीं कर रहे हैं और
अपने आध्यात्मिक साथी के साथ ईमानदारी से नहीं रह रहे हैं, तो अपने आध्यात्मिक साथी में और रुचि ले लो, उसका भला चाहने में और रुचि ले ले हो, तो ये नींद की जो अड़चन है वो चली जाने में मदद मिलेगी। और जब नींद और आलस आएगा तो थोड़ी देर आप उसमें चले जाओगे और फिर पता चलेगा, नींद आने लगी थी, आलस आने लगा था, मुझे तो अपने आध्यात्मिक साथी के रहना है, साथ रहना है, वो खुश रहे, वो खुश रहे, वो खुश रहे। ओ, ये पता नहीं कितनी देर चलेगा। फिर नींद आने लग गई, ज्यादा ऊर्जा का काम करोगे, ज्यादा जबरदस्ती करोगे, ज्यादा कोशिश करोगे, नहीं, ये जबरदस्ती वाला ध्यान नहीं है। जब भी आपको पता चलेगा थोड़ी सी नींद आ रही है और आध्यात्मिक साथी के साथ रहने में परेशानी हो रही है, मैं चाहता हूँ कम से कम आप 30 मिनट बिना हिले बैठे रहे हो, ठीक है? 30 मिनटों के बाद अगर आपको पता चले कि आप थोड़ा सा नींद की ओर जाने लगे हैं, तो आप उठ सकते हो और चंक्रमण ध्यान कर सकते हो। उसके बारे में थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा। या 30 मिनट पूरे नहीं हुए हैं तो पीठ को और थोड़ा सा सीधा कर दो, इतना सीधा करो कि पीठ में दर्द ना होने लगे, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा सीधा करो। और जब पीठ फिर से ढीली होने लगे तो आपको पता चल जाएगा और फिर 6 पैदानों का व्यायाम करके आध्यात्मिक साथी की तरफ जल्दी से वापस आ सकोगे। सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ा निवरण होगा उद्धच्च कुक्कुच, यानी कि बेचैनी। मतलब हर विचार जो है वो आपको आपके ध्यान के आलंबन से भटकाएगा। इस बेचैनी के साथ तो हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अर्हंत नहीं हो जाते ये हमारे साथ रहने वाली है। भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में कहा है कि 7 दिन में आप अर्हंत बन सकते हो, और पता नहीं हम कब अर्हंत बनेंगे, हो भी सकता है। ये थोड़ी सी हंसने की बात है। जब भी मैं किसी के साथ साक्षात्कार करता हूं, वो आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, मैं कहता हूं, अच्छा, आपका ध्यान कैसे चल रहा है? तो साधक कहता है, ओ, मेरा ध्यान तो बहुत भयानक चल रहा है, मेरा मन तो इधर उधर घूम रहा है। वो बहुत ही चंचल है और मैं इसके बारे में बात कर सोच रहा हूँ, उस बारे में सोच रहा हूँ। फिर मैं पूछता हूं कि जब मन भटकता है तो क्या आप उसे जान जाते हो, पहचान जाते हो और फिर 6 पैदाने का अभ्यास कर पाते हो? तो वो कहता है, हाँ। ओहो, बहुत ही अच्छा ध्यान। फिर कोई आता है और कहता है, और बहुत खुशी से कहता है, बहुत अच्छा ध्यान हुआ है, मैं तो अपने ध्यान के ऊपर
बहुत देर तक ध्यान के आलंबन के ऊपर स्थिर रहा और वो बहुत ही अच्छा है। फिर मैं कहूँगा, हाँ ठीक है, करते रहो, सब कुछ ठीक है। ठीक है ना? देखो, जब ध्यान में चंचलता आती है, जो गतिशील ध्यान है, और आप छह पैदानों का अभ्यास कर रहे हैं, वो आपका कार्यशील गतिशील ध्यान है। उस समय सही में आप अपने शर्ट की बाहें रोल कर रहे हो और काम कर रहे हो। अपने होश को, अपनी स्मृति को, अपनी सती को विकसित कर रहे हो और देख रहे हो कि मन कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग, जब आप उनको पूछो कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या पड़ा है, तो कहते हैं, ओ मैं शांत और मन को स्थिर करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध की साधना सिखाने का उद्देश्य केवल मन को शांत और स्थिर करने का नहीं था। भगवान बुद्ध चाहते थे या चाहते हैं कि आप मन का ध्यान एक चीज से दूसरी चीज की ओर कैसे भटकता है, उसे देखना सीखो और जानो कि ये चीज में मैं मेरा कुछ नहीं है, अनात्म है। कुछ ही दिनों में आप मन के भटकने की इस प्रक्रिया को देखना सीख जाओगे। अपने आप को इस प्रक्रिया को देखना सिखाओगे। तो ध्यान ये है, देखो, मन को शांत करना और स्थिर करना बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि मन ध्यान के आलंबन से कैसे भटकता है, इस प्रक्रिया को समझो। चाहे आप ध्यान में बैठे हुए हो या ध्यान पूर्वक संक्रमण कर रहे हो, या खाना खा रहे हो, या स्नान कर रहे हो, या पैखाने जा रहे हो, मन में चल रही इस प्रक्रिया को, इस ध्यान को कायम रखो। देखो कि मन कैसे भटकता है, फिर उन ख्यालों को और विचारों को जिन में मन भटक गया है, उन्हें वहीं छोड़ दो। छह पायदानों का अभ्यास करो और मंगल मैत्री की तरफ वापिस आओ। इस तरह से आप अपने आप को सिखाओगे कि मन की भटकने की प्रक्रिया कैसे चलती है। इस मार्ग से आप अपने आप को सिखा रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप अपने आप को सिखा रहे हो। बहुत सारे साधकों को लगता है कि मन को भटकाने वाले जो विचार है, जो अड़चने हैं, जिसे पाली में निवरण कहा गया है, यह हमारे शत्रु है और इसके साथ लड़ना है। और कुछ लोग उसके साथ लड़ने की बहुत सारी कोशिश करते हैं और दुखी हो जाते हैं। मैं इस निवरण को नहीं चाहता, मुझे ये निवरण पसंद नहीं है, मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। वो कौन है जो इसे नहीं चाहता? वो कौन है जो इसे बदलना चाहता है? मैं किसको उसके प्रति आसक्ति है? ओ, शायद मुझे।
तो अपने आप को क्यों पीड़ा दे रहे हो भाई? उस पीड़ा में क्यों जाना चाहते हो? अपनी ही पीड़ा को हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। उस आसक्ति की वजह से हम अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। इन आसक्तियों को, इन चिपकाओं को, इन तृष्णाओं को क्या करना है? छह पायदानों का अभ्यास करो और उनको जाने दो। जब कोई बड़ी अड़चन, कोई भटका, बड़ा भटका, कोई बड़ा निवरण सामने आ जाएगा, पहली बार आ जाएगा तो मन उसमें भटक जाएगा, कुछ ज़्यादा देर के लिए भटक जाएगा। हो सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी हो। लेकिन जब भी आपको पता चलेगा, ओ मन भटक गया है, किसी अड़चन ने, किसी भटकाव ने, किसी निवरण ने, किसी विचार ने उसे पकड़ लिया है, तो आपने आप को कोसो मत, बस छह पायदानों का अभ्यास करो और मंगल मैत्री की तरफ वापस आओ। जब भी दूसरी बार मन भटकेगा तो आपको ये प्रक्रिया कैसे होती है उसका थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, और जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप देखोगे मन के भटकने से पहले कुछ हुआ था, फिर आप छह पायदानों का अभ्यास करोगे और वापिस आओगे और फिर से मन भटकेगा और फिर से आप देखोगे कि मन भटकने से पहले मन में कुछ हुआ था, और हो सकता है मन भटकने से पहले ही आप छह पायदानों का अभ्यास शुरू कर दो। तो इस प्रकार आप अपने मन को सिखा रहे हो कि ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, और जैसे जैसे आप ये सीख जाओगे तो मन का भटकना कम कम कम, धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारा मन ध्यान के आलंबन पर बहुत देर तक रहने लगेगा। ये ध्यान के आलंबन में जो अड़चने आती हैं, निवरण आते हैं, ये इस अभ्यास का एक आवश्यक भाग है, क्योंकि ये निवरण ही हमें बता रहे हैं कि हमारी आसक्ति कहाँ है। आसक्ति है इसीलिए उन्हें निवरण कहा जाता है। इन निवरणों को मन ने पकड़ लिया है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरी संकल्पना है, ये मेरा विचार है, मैं। पर सच्चाई ये है कि जो भी उत्पन्न होता है, दुख को ही ले लो, जब दुख उत्पन्न होता है, आपने तो ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ दिनों से मुझे दुख नहीं हुआ, चलो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दुख पैदा होता है, हमारा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए वो जहां है उसे वहां रहने दो। सिर के और मन के तन तनाव को ढीला करो, मुस्कुराओ और मंगल बेदरी की तरफ वापस आओ। किसी निवरण के साथ मन निवरण के ऊपर जाएगा, फिर मंगल बेदरी के ऊपर आएगा, फिर निवरण के ऊपर जाएगा, फिर मंगल बेदरी की तरफ आ जाएगा, कोई बात नहीं।
अपने आप को उसके लिए कोसो मत कि मन भटक गया था, फिर से आरंभ कर दो। जैसे वुडी एलन ने कहा है, प्ले इट अगेन सैम, शाम फिर से खेलो। तो गिरने के बाद उठकर या हारने के बाद फिर से खेलने की यह प्रक्रिया है, फिर से करो, फिर से करो, करते रहो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी आसक्ति कहाँ है और वो मुझे किस प्रकार से पीड़ा दे रही है। तो इस आसक्ति को मेरी आसक्ति समझे बिना, उसका विरोध किए बिना, उसके विचारों को जाने दो, धकेलने की कोशिश मत करो, बस मन को हल्का करो, उसे वहां रहने दो और मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं जब आपकी साधना अच्छी हो रही है और मन मंगल मैत्री पर अच्छी तरह से टिक रहा है, तो 30 मिनट के बाद मत उठो और ज्यादा देर बैठो। जब तक साधना अच्छी हो रही है, आप खुद ही चाहोगे कि और ज्यादा देर बैठूं। आधा घंटा भी हो जाएगा तो भी आपको लगेगा ओ अभी नहीं उठना है, मैं और बैठ ध्यान करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी 30 मिनट से कम मत बैठो। कभी कभी 30 मिनट 3 या 4 घंटे की तरह लगेंगे, जब मन बार बार भटक रहा होगा और विरोध कर रहा होगा और मन विचारों में घुलमिल गया होगा। कभी कभी 30 मिनट केवल 5 मिनटों जैसे लगेंगे और आप कहोगे कि मैं अभी उठना नहीं चाहता, मैं और साधना कर चाहता हूं। ठीक है, करते रहो। और जब आप उठना चाहो तब उठो, बाहर जाओ और चंक्रमण ध्यान करने लो। जब आप चंक्रमण ध्यान करोगे तो अपने चलने की गति को सामान्य रखो, जैसे आप हमारे दैनिक जीवन में रखते हैं। यह चलने का ध्यान, चक्रमण ध्यान, हम एक व्यायाम के रूप में कर रहे हैं। कभी कभी मैं साधकों को कहता हूं कि तेज चलो। जब बहुत देर तक बैठे रहे हो तब खासकर, कभी कभी लोग 2 या 3 घंटे तक बैठे रहते हैं और उनके खून का शरीर में फैलना जरूरी होता है, तब थोड़ा सा तेजी से चलो। लेकिन चलते हुए भी अपने आध्यात्मिक साथी के ऊपर अपना ध्यान रहना चाहिए हर समय। पहले पहले ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि चलते हुए हम आध्यात्मिक साथी की याद के साथ रहे। मन चाहता है कि कुछ उस बारे में सोचे, कुछ इस बारे में सोचे। मन को कोसो मत, मन के ऊपर गुस्सा मत करो। इसलिए गुस्सा मत करो कि वो जो चाहता है, वो जो हम चाहते हैं वो नहीं कर रहा है। बस 6 पायदानों का अभ्यास करो और
आध्यात्मिक साथी की तरफ वापस आओ, इतना ही। जब चलने का ध्यान कर रहे हो तो कम से कम 15 मिनट ये चंक्रमण ध्यान करो, और जब भी चल रहे हो आंखें नीची, इधर उधर मत देखो। इधर उधर देखने लगोगे तो मन फिर भटकने लगेगा और बहुत देर तक बिना जाने बिना पहचाने विचारों में और ख्यालों में अपने आप को घुल मिल लेगा। कृपा करके आंखों को नीचे रखो और अपने आध्यात्मिक साथी के साथ रहो जितना रह सकते हो, और जानो कि चलते चलते ऐसा करना थोड़ा सा और कठिन होगा, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो आप चाहोगे कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा भी चंक्रमण ध्यान करूं। कोई बात नहीं, 15 मिनट से ज़्यादा भी चंक्रमण ध्यान कर सकते हो, 45 मिनट तक कर सकते हो। यह एक अच्छी बात है कि आपको नींद और आलस से उभरने में इसमें मदद मिलेगी। 30 फुट तक चलते रहो और वहां रुको, और अगर नींद और आलस है तो घूमो मत, उल्टे पैदल वापस आओ, उल्टा वापस आओ, और फिर 30 फुट आगे जाओ, फिर उल्टा वापस आओ बिना घूमे, फिर आगे जाओ, फिर बिना घूमे उल्टा वापस आओ, उल्टे पांव वापस आओ बिना घूमे, फिर आगे जाओ, फिर उल्टे पांव वापस आओ। और इसमें भी अपने आध्यात्मिक साथी के साथ तो रहना ही है, तो इससे नींद और आलस चला जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, और तुम्हारी जो अगली साधना सत्र की बैठक है वो आसान हो जाएगी, और फिर नींद और आलस से जूझना नहीं पड़ेगा। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि यह तरीका कितना अच्छा काम करता है। चक्रमण ध्यान के बाद हमेशा इस बात की आशा मत करो कि पहले जितना ध्यान सत्र अच्छा हुआ था, ओह कितना ध्यान सत्र अच्छा हुआ था, मैं तो 1.5 घंटे शांति और सुख के साथ, मानसिक शांति के साथ बैठा रहा, फिर से मैं वही करना चाहता हूँ, ऐसी आशा मत करो। क्या होगा अगर दूसरा साधना सत्र वैसा नहीं होगा, तो आप चाहोगे कि मैं थोड़ा सा और प्रयत्न करूं, थोड़ी और ऊर्जा उसमें डालूं, और जिस शांति को मैंने पहले अनुभव कर किया था उसी शांति को वापस ले आऊं, इससे मन में और बेचैनी पैदा होगी और मन बार बार भटकने लगेगा, क्योंकि आप उसमें बिना कारण ज़्यादा प्रयत्न ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ है नहीं उसे लाने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं घट रहा है उसे जबरदस्ती घटाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, चीजें अपने आप घटती है, आप उसके नियंत्रक नहीं हो, इसलिए किसी भी चीज को जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, धकेलो मत। कोशिश करके ध्यान को और अच्छा करने का जबरदस्ती से प्रयास मत करो। मन भटक रहा है, ठीक है, 6 पैदानों का अभ्यास करो, मुस्कुराओ, वापिस आओ, उसका मजा लो। ठीक है, पहले जैसे अच्छा ध्यान हुआ था वैसे नहीं हो रहा है,
तो क्या हुआ? किसने कहा कि पहले जैसा ही ध्यान होना चाहिए? ओ मैं फिर से मैं। यह ध्यान ऐसा ध्यान है जिसमें इस क्षण में जो भी हो रहा है उसे होने देना है, छह पायदानों का अभ्यास करना है और फिर से मंगल बेटी की तरफ वापस आना है। हर बार एक ही प्रकार का साधना सत्र नहीं होगा, ये हमेशा बदलते रहेगा, हमेशा भिन्न होगा, हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है। हम जैसा चाहे वैसा उसे नहीं बना सकते। अगर हम जैसा चाहे वैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बेचैनी का दुख आपके पीछे लग जाएगा। और ये जो निवरण है, जो हमने पांच अड़चनें बताई थी, मत सोचो कि एक बार में एक ही अड़चन आएगी, कभी कभी दो भी आ सकती है। जैसे कोई बच्चा अब नीचे है तो उसे चलो मिलकर मारते हैं, बेचैनी आएगी और कहेगी मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, और द्वेष भी आएगा साथ में, बेचैनी के प्रति द्वेष और किसी और चीज के प्रति द्वेष, द्वेष और बेचैनी एक साथ लहेंगे। कितने नसीबवान हैं आप कि दो दो अड़चने एक साथ। जब आप देखोगे कि बेचैनी आ गई है और मन में शांति और सुख की इच्छा ही है, इच्छा भी है, उस इच्छा को महसूस करो। बेचैनी तोड़ने के लिए बहुत कठिन होती है, वो आपको कहेगी चलो उठ जाओ, इस बेचैनी को मैं अभी सहन नहीं कर सकता। तरह तरह की वेदनाएं शरीर में जागेगी और लगेगा ओ थोड़ा सा मैं आसन को बदल लूं, ओ एक नियम ये भी है कि हिलना नहीं है, और देखो कि मन कैसे हिल रहा है। एक चीज शिविरों में हमेशा होती है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मत करो, लोग सोचते हैं कि ओ ये तो साधना सत्र बहुत अच्छा है, मैं बस इसे ही करता रहूंगा, बस मैं लंबा बैठे रहूंगा। और जब मेरे पास आओगे और कहोगे कि मुझे तो 5 और 6 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगा, मैं देखता हूं और कहता हूं कि ये तो नींद थी, आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, आपको व्यायाम की जरूरत है, मतलब नींद को ही आप, आलस को ही आप अच्छा ध्यान समझने लगते हो, इसे तो कोई आध्यात्मिक पायदान नहीं समझा जाएगा। इसलिए चलना भी जरूरी है। जब 30 मिनट के बाद आपको लगता है कि आसन स्थिति को बदलने की जरूरत है तो आप उठो
और चलते रहो। चलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बैठना, बैठकर ध्यान करना और चलते हुए ध्यान करना, दोनों आवश्यक है। सबको कुछ एक काम मिलेगा, मुझे लगता है कि इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, लेकिन धर्म सेवा का काम मतलब मन को इधर उधर दौड़ाना नहीं है। धर्म सेवा का काम करते रहो, उसको पूरा करो, और पूरा करने के बाद इसलिए पूरा करो कि उसके बाद हमें बैठकर ध्यान करना है। धर्म सेवा का काम करते हुए भी अपना ध्यान चालू रखना है। मन की प्रक्रिया को देखो कि मन कैसे भटकता है, उस विचारों और ख्यालों से मन को कैसे दूर करना है, तान तनाव को कैसे ढीला करना है, कैसे मुस्कुराना है। ऐसे धर्म सेवा करते हुए भी 6 पायदानों का मजा ले लो। हमें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना है, बस 6 पायदानों का अभ्यास करते रहना है। हर रोज मैं चाहता हूं कि आप इस ध्यान कक्ष में 5:25 पर आ जाएं। हम पहले 5:30 कहते थे, पर लोग 5:35 को आ जाते थे, फिर 5:40 को आने लगे, क्योंकि हर आदमी एक ही समय पर नहीं आता और 5:30 हमें ध्यान शुरू करना होता है। और जब सभी आ जाते हैं तभी 5:30 शुरू कर सकते हैं, इसलिए 5:30 से थोड़ा सा पहले आ जाओ। सब आ जाएंगे तो ठीक 5:30 हम सभी ध्यान करना आरंभ कर सकते हैं। हम सब ध्यान में बैठेंगे और अगर आप चाहो तो 1/2 घंटे के बाद आप चलना शुरू कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ध्यान के साथ ही ध्यान में रहते हुए चल सकते हैं। 15 मिनट के लिए चलें, फिर वापस आएं, फिर 7 बजे तक बैठे रहें और फिर नाश्ते का समय हो जाएगा। नाश्ते के बाद आपको अपनी चीज़ें करने को मिलेगी, दांत साफ करना है या और भी कुछ करना है। फिर 1 घंटे का धर्म सेवा का समय होगा, उसके बाद थोड़ा सा चंक्रमण ध्यान होगा और इस ध्यान कक्ष में बैठकर ध्यान होगा 11 बजे तक। 11 बजे घंटा बजेगी और हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद 1 बजे तक आप आराम कर सकते हैं, चाहे तो सो सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हो। अगर आप चलना चाहते हो तो चलने में भी थोड़ा सा आराम मिल सकता है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद ठीक 1 बजे ध्यान कक्ष में आना है। 1/2 घंटे के बाद या जब भी आपको चाहते हो कि आप बैठकर ध्यान बहुत हो गया तो आप चल सकते हो। तो चंक्रमण ध्यान और बैठा ध्यान एक दूसरे के बाद 1 से 5:30 तक करते रहो। 5:30 थोड़ी सी चाय पी सकते हो। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को शरीर की कोई व्याधि है और औषधि लेने के लिए उन्हें शाम में खाना चाहिए? ठीक है, ओके। 6 बजे फिर से ध्यान कक्ष में आना है, उसके बाद धर्म का प्रवचन होगा। यह प्रवचन गप्पे लड़ाने का समय नहीं है,
प्रवचन के बाद गप्पे लड़ाने के बजाय ध्यान करना है। प्रवचन के बाद चंक्रमण ध्यान करना भी अच्छा है, क्योंकि प्रवचन घंटे डेढ़ घंटे का होगा, कभी कभी 2 घंटे का भी होगा। कभी कभी मैं लंबे समय तक बात करता हूँ तो थोड़ा ज्यादा भी होगा। फिर उठ जाओ, चंक्रमण ध्यान करो और वापिस आ जाओ। अपने कक्ष में जाकर मत करो कि ओह तो ध्यान तो बहुत हो गया, अब मुझे सोना चाहिए, ऐसा मत करो। 10 बजे तक यहाँ बैठे रहो, फिर 10 बजे अपने कक्ष में जाओ और सुबह 5 बजे तक सो जाओ। ये 7 घंटे हो गए, 7 घंटे की नींद हो जाएगी। कैसे काम कर सकता है? जब मैं रंगून में महासी सयाड़ों की विपश्यना शिविर में गया था तो हम 11 बजे सोते थे और 3 बजे उठते थे और बाकी पूरा दिन ध्यान करते थे। उनके शिविर बहुत लंबे होते थे और पूरा करने के लिए बहुत कठिन होते थे। मैं तो आपको 7 घंटे की नींद दे रहा हूँ और दिन में भी 1 घंटे की, तो कुल मिलाकर 8 घंटे। ये तो जैसे किसी बाग में चलना हो गया, नहीं? तो इससे आप थकोगे नहीं और बेचैन नहीं होगे। अगर आप थकोगे, आप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आकर मुझे बताओ, हम कुछ उपाय निकालेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप दिन भर नींद नींद सी महसूस कर लें। जब रात को अपने बिछावन पर लेट जाते हो, आराम करने लगते हो, तो 2 चीजों का निश्चय करो। एक तो कि मैं 5 बजे से 1 मिनट पहले उठूंगा, और वैसा करने की कोशिश करो। दूसरा निश्चय करो कि जब मैं उठूंगा तो मुस्कुराहट के साथ उठूंगा। ठीक है, जब आप उठते हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और उसे दिन भर कायम रहना है, रखना है। तो इस बात का निश्चय सोते हुए करो, इस तरह के निश्चय। हमको लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिसूरी में मेरे साथ एक साधक था जिसे मैं इन निश्चयों के बारे में बता रहा था, और ये भी बता रहा था कि समाधियों में कैसे जाते हैं और कैसे वापिस आते हैं। दृढ़ निश्चयों के साथ काम करते हुए आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी ध्यान समापत्ति में कब जाना है और किस कौन सी ध्यान समापत्ति से कब वापिस आना है। सो इसलिए दृढ़ निश्चयों को अभी से करना प्रारंभ करो। किसी भी प्रकार की अड़चन, किसी भी प्रकार का निवरण, किसी भी प्रकार का मन का भटकाव आपके पास आ जाए, 6 पैदानों के अभ्यास से उसके साथ डील करना सीखो। पहचानो कि मन का भटकाव आ गया, जिन विचारों में मन भटक गया था उन विचारों को छोड़ दो। सिर के दान तनाव को ढीला करो, होठों पे मुस्कुराहट लाओ,
मंगलमय की तरफ वापस आऊं और मंगल मैत्री की आलंबन के साथ लंबे समय तक ध्यान करना फिर से शुरू करो। सीखो कि मेरी आसक्ति, मेरा चिपकाव किस बात के प्रति है, कौन सी अड़चन बार बार आ रही है। ये हमारे पिछले कर्मों की वजह से होता है, लेकिन वो आते हैं इस क्षण में, वर्तमान क्षण में। जब वर्तमान क्षण में आते हैं तो यह वर्तमान क्षण में अभी इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा भविष्य तय करता है। अगर हम वर्तमान क्षण का विरोध करोगे, उसके साथ लड़ने की कोशिश करोगे, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसा ही वो हो, तो भविष्य में दुख ही दुख होगा। लेकिन अगर आप 6 पायदानों का अभ्यास करोगे तो अड़चन अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी, और जब अड़चन कमजोर हो जाएगी तो आपको सुकून महसूस होगा और उसके बाद हर्ष महसूस होगा, मौत, और उस मौत के कारण आप मुस्कुराने लगोगे, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। और ये बहुत अच्छी बात है ना? आपको मुस्कुराने की इच्छा होगी, हर्ष होगा थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको बहुत गहरी शांति महसूस होगी, आपको बहुत आरामदायक लगेगा मन में भी और शरीर में भी। यही पहली ध्यान समापत्ति है, इसे पाली में ध्यान कहते हैं, प्रथम ध्यान, प्रथम ध्यान। ध्यान का अर्थ है समझ का एक स्तर, जब हम प्रथम ध्यान समापत्ति में जाते हैं तो हमें समझने लगता है कि मन कैसे काम कर रहा है। हर ध्यान समापत्ति का एक अलग स्तर होता है और उसमें हमारे समझ की एक के बाद एक ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं। इससे ध्यान में सही मजा आता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ध्यान में हमारी प्रगति होती है और महसूस होता है कि अब मन इस चीज को समझने लगा है। जितना आप 6 पायदानों का अभ्यास करना याद रखोगे उतना आप जो भी उत्पन्न हो रहा है उसे अपनी जगह रहने दोगे, उसके बारे में सोचने के बजाय उतना ही हमारा ध्यान आसान हो जाएगा। इस बात का मैं वचन देता हूं, अगर आप चीजों को बदलने की कोशिश करोगे तो आप पुरानी ध्यान पद्धति के आदतों की तरफ चले जाएंगे। ओ मैं कोशिश करूंगा, मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूं, मैं और कोशिश करूंगा। ये जबरदस्ती कोशिश आपकी साधना को बंद कर देगी, इससे आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी और फिर मैं क्या कर रहा हूं इसकी खोज में आप लोगों के, ताकि
मैं ठीक पथ पर आ जाऊं। यह बहुत जरूरी है कि यहाँ धर्मपीठ से जो सूचनाएं दी जा रही है उसे कम किए बिना या उसमें कुछ मिलाए बिना उसका पालन करना है। बस 6 पायदानों का अभ्यास करो और मुस्कुराते रहो। ओ, लेकिन मुझे तो मुस्कुराना मालूम ही नहीं होता। ओ, मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे होठों के जो दो कोण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। होठों के जो दो कोण हैं जो ऊपर जाएंगे तो आपकी मनस्थिति भी ऊपर जाएगी। ध्यान करने का कारण क्या है? मन को प्रसन्न रखना, मन को आनंदी रखना। मन में दुख क्यों पैदा होता है इसे पहचानना और उसको जाने देना, जिससे आप और खुश रहो। जब मैं देखूंगा कि आप नहीं हंस रहे हैं तो मैं आपको हंसाऊंगा या हंसने की याद दिलाऊंगा, मुस्कुराने की याद दिलाऊंगा। इस साधना का मजा ले लो, ज्यादा गंभीर मत बनो। जब भी मन में गंभीरता आने लगे देखो कि वहां कहीं आ सकती है। मन में हमने कल्पना कर रखी है, मैं यह हूं, मैं वो हूं, और उस कारण हम कुछ चीजें नियंत्रित करना चाहते हैं। देखो, ये जो अपनापा है जिसे हम मैं कहते हैं, मेरा शरीर कहते हैं, मैं कहते हैं, मेरा मन कहते हैं, वो 5 अलग-अलग चीजों से बना है। एक तो ये रूप हो गया जिसे हम शरीर कहते हैं, फिर है वेदना जिसे हम संवेदना कहते हैं, वो सुखद हो सकती है, असुखद हो सकती है। सुखद, दुखद और असुखद, अदुखद। ये संवेदनाएं अलग है और जो मन में अलग-अलग तरह की भाव भावनाएं होती है वो अलग है। जो संवेदना होती है वो सुखद संवेदना, दुखद संवेदना या अदुखद असुखद संवेदना। फिर और एक चीज है जिसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मन का वो भाग है जो चीजों का मूल्यांकन करता है, नामकरण करता है। देखो, एक कप है तो मन का जो भाग इस कप को कप कहता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर हमारे विचार हैं जिसे पाली में संस्कार कहते हैं, और फिर विषयों को जानने वाला हिस्सा उसे विज्ञान कहते हैं, पाली में विज्ञान। जब भी कोई दुखद संवेदना जागती है तो विचारों के द्वारा हम उस दुखद संवेदना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और जितना विचारों से हम उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतने ही वो दुखद संवेदना बढ़ती जाती है। और जितने ज्यादा विचार हम उसमें डालते हैं उतना ही दुख हमें होता है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करने से। तो सबसे पहले क्या करना है? चाहे मन में हो या चाहे शरीर में कोई भी दुखद संवेदना हो, सबसे पहले जानना है ये मन की प्रक्रिया ऐसी होती है। फिर
उस संवेदना के बारे में जो विचार है, उनको जाने दो, उनको उनकी तरफ ध्यान मत दो और सिर के और मन के तान तनाव को ढीला करो। फिर उस संवेदना के अर्ध गिर्द मन की जो जकड़न है उसे जाने दो, उस दुखद संवेदना को जहां है वहां अकेले छोड़ दो। वो बस एक संवेदना है, वो मेरी नहीं, मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा। सो उस संवेदना को वहीं रहने दो, शरीर के तान तनाव को ढीला करो, होठों से मुस्कुराओ और मंगल मैत्री की तरफ वापस आओ। उस संवेदना के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति होगी उतनी बार तुम्हें 6 पायदानों का अभ्यास करके, जिसे हम सम्यक व्यायाम करते हैं, वापस मंगल मैत्री की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ये अड़चनें आती रहेगी और वही तुम्हारी गुरु है। वो आपको बता रही है कि आपकी आसक्ति, आपकी तृष्णा, आपका चिपकाव ठीक किस चीज पर है। आप क्या करोगे? उसे वहीं रहने दोगे? शरीर का तान तनाव ढीला करोगे? स्मित हास्य करोगे, मुस्कुराओगे और मंगल पेथी की तरफ वापस आओगे? फिर आई, फिर करो, फिर आई, फिर उसे छोड़ दो, शरीर का तान तनाव ढीला करो, मुस्कुराओ और मंगल मैत्री की तरफ वापस आओ। और एक बात की चेतावनी मैं देना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग इन 6 पायदानों का अभ्यास भी बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। कोई विचार आ गया और उस वो मन को भटकाता भी नहीं है, फिर भी 6 पायदानों का अभ्यास किए जा रहे हैं। और वो ठीक से पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले भी दूसरा 6 पायदानों का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। 6 पायदान, 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 उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, विचार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही तरीका ये है कि 6 पायदानों का अभ्यास तभी करो जब कोई विचार आपके मन को मंगल मैत्री से पूरी तरह से भटकाए, अन्यथा उस विचार को दुर्लक्षित करो। हाँ, मन में कहीं कुछ विचार चल रहा है, लेकिन वो मंगल मैत्री की ओर से आपके मन को दूर नहीं कर रहा है, तो उस विचार को पृष्ठभूमि में रहने दो। अपने मन को मंगल मैत्री के साथ रखो, बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हर साधक, खासकर जिसने कोई और विपश्यना का शिविर किया हो, वो आता है और बहुत ज्यादा कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। ओ, ये ध्यान तो इतना आसान नहीं हो सकता, नहीं सीधा नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन उस पर भरोसा रखो, ये ध्यान बहुत सीधा साधा है। आपको करना क्या है? बस मुस्कुराना है और 6 पायदानों का अभ्यास करना है और मंगल मैत्री की तरफ वापस आना है। इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मेरा मन तो बहुत भटकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका मतलब है आप एक
कृतिशील कार्यशील ध्यान साधना कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो आपके मन को सहायक कर रही है, आपका होश उससे बढ़ रहा है, ताकि आप मन की प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि मन कैसे भटकता है। इस प्रकार अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। भवतु सब मंगलम्, भवतु सब मंगलम्, भवतु सब मंगलम्। सा